2008 में 26/11 के मुंबई हमले के बाद मुश्किल से 1.5 साल ही बीते थे, जब इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में एक स्पाई के बारे में न्यूज 2010 की शुरुआत में पाकिस्तान से इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के डायरेक्टर राजीव माथुर तक पहुंची। माधुरी गुप्ता एक आईएफएस ग्रुप बी ऑफिसर थी और दुनिया भर में अलग अलग पोस्टिंग में काम करती थी, और वो जहां भी जाती थी उसकी फोर्सफुल पर्सनैलिटी सबका अटेंशन ग्रैब कर लेती थी और अक्सर उसे गॉसिप्स का सब्जेक्ट बना दिया जाता था। 2010 में उसकी गिरफ्तारी के वक्त माधुरी गुप्ता साउथ एशिया में सूफी मंदिरों पर पीएचडी को पूरा करने की भी प्लानिंग कर रही थी। पाकिस्तान माधुरी गुप्ता के लिए पहली मुश्किल पोस्टिंग नहीं थी, उसने पहले बगदाद में इंडियन मिशन में भी काम किया था और 2006 से 2008 के बीच इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में भी काम किया था, जिसके बाद उन्हें इस्लामाबाद में ट्रांसफर कर दिया गया। मिस्टर दैया ने कहा कि आरोपों के हिसाब से वो पाकिस्तानी ऑफिसर्स जिन्होंने माधुरी गुप्ता से इन्फॉर्मेशन ली थी उनकी आइडेंटिटी को 2018 तक सुनवाई के दौरान रिवील नहीं किया गया था। हालांकि एक फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिसर ओलिवियर मास ने पहले दावा किया था कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने माधुरी गुप्ता के साथ समझौता करने के लिए क्रेडिट लिया था, लेकिन इस साल की शुरुआत में हिंदू के साथ एक ऑनलाइन इंटरव्यू में ओलिवियर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने में नाकाम रहे थे और माधुरी गुप्ता से गुजरने के साथ माधुरी गुप्ता स्पाई स्कैम के पीछे की सच्चाई भी हमेशा के लिए खो गई है। जिस तरह से माधुरी गुप्ता स्पाई स्कैम से दो पहलू जुड़े हुए हमें दिखाए गए हैं, उनमें से कौन सा सच है और कौन सा झूठ, ये तो हमें नहीं मालूम हुआ है। लेकिन अगर लॉयर मिस्टर धैया की बात माने तो फिर तो माधुरी गुप्ता के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। इस कहानी का सच तो हम नहीं जानते, लेकिन इस कहानी और माधुरी गुप्ता के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर कोई प्लॉट या कोई सीन हमें बागी 4 में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर माधुरी गुप्ता की कहानी से इंस्पायर्ड हो, जिसमें उसका गवर्नमेंट और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी से पूरी तरह विश्वास उठ जाएगा। लेकिन फिर टाइगर श्रॉफ जो एक इंडियन स्पाई होगा जो श्रद्धा को इंसाफ दिलाएगा। आपके क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल पॉलीग्राथ स्टूडियो।